पीएम मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। बोले, मैंने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुवाई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की, तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित है और हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदियों के खाते में जमा कराई गई है। पीएम ने कहा कि कोई भी देश या समाज में नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों के लिए महिलाओं की मुश्किलें और उनका जीवन कभी प्राथमिकता नहीं रही। मेरा अनुभव है कि अगर महिलाओं का थोड़ा अवसर सहारा मिल जाए तो उन्हें सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे लोगों का सहारा बन जाती हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1,00,000 महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया गया।